हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम गोइंग टू टीच यू सिविक्स ऑफ क्लास 8 and 9। आवर टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, व्हाई नीड फंडामेंटल राइट्स। सो आई विल डिस्कस वन बाय वन फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, Indian Constitution Part 3rd and Act Articles 12 to 35. Indian Constitution, Bharatiya Samvidhan ke Part 3rd and Articles 12 to 35 mein fundamental rights ke baare mein varnan hai. The fundamental rights is derived from USA. Fundamental rights ko maulik adhikar bolte hain. Maulik adhikar United States ki Constitution se liya gaya hai. Fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जिसे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। सो वन बाय वन देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट, द फंडामेंटल राइट्स डिराइव फ्रॉम यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, कॉल्ड द मैग्ना कार्टा। फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मीन्स बिल पावर, एक अधिकार पत्र माना जाता है। तो इंडियन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स में राइट्स को एक मैग्ना कार्टा कहा गया। सो मैग्ना कार्टा एंड इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान की आत्मा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो इस तरह से इसे संविधान की आत्मा के रूप में हम लोग जानते हैं। सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मीन्स होता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 12 to 18 आर्टिकल्स में है। राइट टू इक्वालिटी 12 to 18। एंड नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारी कंट्री में एवरी सिटीजन को राइट्स मिला हुआ है 8, 9 to 12 आर्टिकल्स। एंड थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं, शोषण के विरुद्ध किसी को अत्याचार नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, और 23 to 24 आर्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट फोर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन को एक आज़ादी दिया गया है, इंडिपेंडेंस दिया गया है, उसे किसी प्रकार का बैंक टैक्सेस के रूप में नहीं होता। 8, 25 to 28 आर्टिकल्स हैं। एंड फिफ्थ, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसको हम लोग बोलते हैं संस्कृति। एवरी सिटीजन, एवरी रिलीजन एक कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30 आर्टिकल्स में एंटर है। एंड नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मीन्स होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम लोग इसको 32 आर्टिकल्स को कहा गया। अब इसमें तो है क्या कि संवैधानिक उपचारों में राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिमूव कर सकते हैं, ये आर्टिकल 32 में है, जिसे रिट बोला जाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट। सो आई विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। धर्म के आधार पर हमारे कंट्री में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल्स 15 राइट टू इक्वालिटी में। एंड इसी में है कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ नहीं हो पाया, उसका डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट विचार करेंगे, और उसमें रिजर्वेशन का भी व्यवस्था किया गया है, जिसमें SC ST OBC ये सबको क्लासेस को। 16, इक्वालिटी ऑफ जॉब। आपको एक जॉब, जो हम बोलते हैं नौकरी पाने में आपको भी समानता है, आप किसी भी तरह का जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट,
is very important. 17 articles में untouchability means जिसको छुआछूत बोलते हैं, जो भेदभाव कहा जाता था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के समय थे, हम इस तरह से कहा जाता है कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं. सो अनटचबिलिटी इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें से राइट टू इक्वालिटी में मेनली 1, 2, 3 राइट्स आर गिवन बाय इंडियन सिटीजंस. एंड सेकेंड राइट टू फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, जिसको फ्रीडम मीन्स आजादी. इसे 19 to 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट 19 आर्टिकल्स प्रोटेक्शन ऑफ सेवन रिगार्डिंग. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेवन टाइप्स के दिया गया था. सो फर्स्ट राइट टू स्पीच या एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की इंडिपेंडेंस फ्रीडम. हमारे कंट्री में फर्स्ट जो 19A में है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है. बी असेंबली, सभा को हम लोग एक तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं. सी एसोसिएशन मीन्स किसी भी यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं. डी मूवमेंट भी कर सकते हैं, अगेंस्ट में आंदोलन भी कर सकते हैं.